नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम मनोज कोले, एवरीबॉडी वेलकम फ्रॉम कोले टेलीविजन। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक इंटरेस्टिंग फॉल्ट। सैमसंग 22 इंच का एक एलईडी टीवी है। पहले देख लीजिए इसका फॉल्ट क्या है, इंटरेस्टिंग फॉल्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेंगे। यहाँ पर मैं मॉडिफिकेशन करूंगा। देखिए, स्टैंड में रिलीज कर रहा हूँ, क्या फॉल्ट हो रहा है पहले अच्छा से वॉच करो, उसका बाद आप ये मैं कैसे रिपेयर किया है पूरा कंप्लीट आपको दिखाऊंगा। मोस्टली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, आप देखिए दोस्तों क्या हो रहा है स्क्रीन में, क्या हो रहा है। देखिए पूरा व्हाइट पिंक टाइप व्हाइट हो गया, ठीक है। तो ये फॉल्ट मैं कैसे रिपेयर करूंगा पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। इंटरेस्टिंग फॉल्ट है दोस्तों, डू नॉट स्किप द वीडियो। वीडियो स्किप करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे रिपेयर हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, और मेरा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा नवंबर मंथ का 8 तारीख में, आप उसी प्रोग्राम में अटेंड कर सकता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा प्रोग्राम मैं शेड्यूल किया है। अब स्क्रीन पर देखिए थोड़ा सा डिस्प्ले आ जाएगा, उसी हिसाब से आप कॉन्टेक्ट करके अपडेट हो जाइए दोस्तों। और मेरा जो नवंबर मंथ में 15 नवंबर मैं एक गेट टुगेदर प्रोग्राम अरेंज किया है, उसी प्रोग्राम में आप भी अटेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको आने के लिए कुछ रूल्स है, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वहाँ पर सुबह से स्टार्ट होगा, शाम को वो कंप्लीट होगा, खाना पीना सब कुछ वहाँ पर रहेंगे। आप इस प्रोग्राम में, गेट टुगेदर प्रोग्राम में अटेंड करना चाहता है तो मेरा जो स्क्रीन पर नंबर है इस नंबर में आप कॉन्टेक्ट करिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये मैं कैसे रिपेयर करूंगा पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। ओके, देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, और जो सैमसंग 22 इंच टीवी आप देख रहा था, पूरा मैं ओपन किया है, आप देखिए, इधर आइए, मैं पूरा टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा चेक करके। तो देखिए, सबसे पहले इधर आइए, इसको पैनल नंबर उसको देखा दीजिए, V216 पैनल नंबर उसको देखा दीजिए, V216B1XC01, ये 22 इंच का पैनल है। तो चलिए, इसको 5 वोल्ट का पैनल है, मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, देखिए आप पूरा वोल्टेज चार्ज में आपको दिखाऊंगा पूरा। अब डिटेल्स देखेंगे दोस्तों, पूरा वोल्टेज चार्ज मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यह पर ये जो पैनल VCC है, दिखाइए पैनल VCC है, देखिए 5.2 वोल्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या देखिए, ये जो 8 पिन का एक DC-to-DC IC यूज़ किया है, ये 8 पिन DC-to-DC IC है, इसी स्विचिंग से पूरा एवरीडी VGH वोल्टेज सब जनरेट करेगा। ये एवरीडी डायोड है, देखिए यहाँ पर देखिए एवरीडी में 5.2 वोल्ट है, और इधर देखिए एवरीडी डायोड के इधर में देखिए 13.58 ऐसा कुछ वोल्टेज, 53 ऐसा वोल्टेज रेड दे रहा है। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, यहाँ से देखिए 3.3 वोल्ट परफेक्ट आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इधर देखिए थोड़ा सा VGHP, देखिए VGHP इसमें कुछ वोल्टेज नहीं है, थोड़ा VGH में 10 वोल्टेज रेड दे रहा है। VGH P है और ये VGH है, VGH में 9 point something। तो VDS है, देखिए VDS में वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। VSCM देखिए 0.1 वोल्टेज रेड दे रहा है, ठीक है। और VCM देखिए 0.1 वोल्टेज रेड दे रहा है। तो एक्चुअल VGL में क्या है, 5.519 इसका, ये VGHP जो है ये वोल्टेज परफेक्ट नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए पूरा डिटेल्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो DC-to-DC IC यूज़ किया है, ये एक स्विचिंग से पूरा ये काम किया है, ठीक है। तो आपको ये जो 6 पिन का आप एक छोटा सामान देख रहे हैं ना,
देखिए ये 6 पिन SMD डायोड है, एक्चुअल ये डायोड खराब हुआ है, ठीक है। इसको मैं मेजरमेंट करके देखा, ये डायोड खराब है। इसको मैं, ये डायोड तो मेरे पास नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करूँगा, सेट ऑन होगा। अब देखिए, आप खुद ही देख पाएंगे मैं मॉडिफिकेशन करूँगा। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते रहिए। इसको तो सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसको ऑफ कर दो। तो इस SMD डायोड को मैं सबसे पहले रिमूव करूंगा। चलो रिमूव करूंगा, देखते रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप देखिए, ये जो मैं यहाँ पर आप देखा, इसी डायोड यूज करके ये सेट मैं रेडी करूंगा। आप देखते रहिए कैसे रेडी करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकता है दोस्तों। देखिए ये डायोड जो है 6 पिन का, ये मैं रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसी जगह में मैं क्या करूं, देखिए ये जो डायोड है ना, देखिए इसको यहां से, और देखिए कहां पर लगेगा, इसमें लगेगा। दोस्तों ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आप ऐसा काम सीखना चाहता है तो आप खुद करना चाहता है तो मेरा जो अपडेट प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम में आप अटेंड कर सकते हैं। देखिए ये मैं यूज किया है। देखिए दोस्तों, सैमसंग टीवी जो 22 इंच का आप देख रहा था ना, उसका पूरा मैं मॉडिफिकेशन किया है। आप थोड़ा पहले इधर आइए, कैमरा पूरा मीटर को हटाइए, आप इधर लेकर आइए, पूरा इसको हाईलाइट करिए, इसको ये वाला जो है ना, इसको पूरा हाईलाइट करिए। देखिए देखिए दोस्तों, यह पर आप देखते रहिए, ये अभी स्विच ऑफ है, ये क्या मॉडिफिकेशन किया है। देखिए इसमें एक 6 पिन का एक डायोड लगा हुआ था, उसका अंदर 4 डायोड है, यह पर आप देखिए ये डिफेक्ट था, ये मैं चेंज किया है कि वो तो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत सारे सेट में है, अब उस टाइम कंफ्यूज हो जाता है। देखिए डायट थोड़ा सा, देखिए ये 6 पिन का SMD डायोड है, इसका पूरा पिन कॉन्फिगरेशन मैं यहाँ पर खुद ड्राइंग किया है, आप इसी सब से एक काम कर सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप कहाँ पर नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं पहले ड्राइंग किया, ड्राइंग करने के बाद एक काम किया है। तो चलिए देखते रहिए, जूमिंग करिए थोड़ा सा। देखिए ये 4148 डायोड है, 4148 डायोड यहाँ पर मैं कनेक्ट किया है उसी का हिसाब से जो पिन में था। अब देखिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश किया है। तो दोस्तों इसको मैं स्विच ऑन करता हूँ, देखिए थोड़ा सा जूमिंग हटाइए। देखिए इसमें आप वोल्टेज देख लीजिए, VDD 3.3 वोल्टेज आ गया, VDD, ठीक है। और यहाँ पर देखिए VDA जो AVDD वोल्टेज होता है वही होगा, ठीक है, AVDD वोल्टेज। और इधर देखिए VGHP, यहाँ पर देखिए VGHP 25.9 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ से देखिए VGH, ठीक है। और VCOM वोल्टेज देखिए, VCOM वोल्टेज
वी एस सी एम देखिए 5.6 और वी जी एल वोल्टेज देखिए। पहले क्या था दोस्तों, मैं आपको पूरा काम रेडी करके दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो पहले क्या था, पहले एक्चुअल जो था इसमें पैनल वी सी सी और 3.3 वोल्ट और एवरीडी वोल्टेज जनरेट हो रहा था। उसका बाद उसका आगे कुछ वोल्टेज नहीं हो रहा था, वी जी एच वोल्टेज नहीं हुआ, वी जी एल वोल्टेज नहीं हुआ, वी जी एल और वी जी एच नहीं होगा तो एवरीडी भी वोल्टेज होता है लेकिन उसका कोई प्रोडक्शन है, इसलिए वी कम वोल्टेज भी जीरो था। अभी मैं सेट रेडी किया है, अब देखिए ऐसा करके आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते रहिए, इधर थोड़ा सा देखिए, सुनो आ गया, देखिए देखिए लिखाया है ना दोस्तों, सुनो आया है, अब देखिए ठीक है। तो जूम में कर दीजिए थोड़ा सा, देखिए सेट रेडी हुआ है ना दोस्तों। दोस्तों आपका वीडियो पसंद हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम मैं स्टार्ट करूँगा नवंबर मंथ का 8 तारीख से, 8 नवंबर से स्टार्ट होगा, पूरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरा सब प्रोग्राम है। आप मेरा जो स्क्रीन पर नंबर है इस नंबर में कॉन्टेक्ट करिए, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और दोस्तों उसका साथ साथ मेरा जो नवंबर का 15 नवंबर उसी में मैं एक गेट टुगेदर प्रोग्राम अरेंज किया है, उसी प्रोग्राम में आप भी अटेंड कर सकते हैं। वो सुबह से स्टार्ट होगा, शाम को वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उसमें खाना पीना सब कुछ होगा, गेट टुगेदर प्रोग्राम है, और उसका बीच में पैनल का बारे डिस्कशन भी होगा, सब कुछ होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सब कुछ होगा, एवरीथिंग। आप उसी प्रोग्राम में अटेंड करना चाहता है तो पहले ही आपको मेरा जो नंबर है इस नंबर में कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, कुछ रूल्स है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ओके।